न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज इतवार है, एक छोटी सी कहानी कहने जा रहा हूं। और मेरे जैसे जो भी पतिदेव है, दुनिया भर के पतिदेवों को एक संदेश देना चाहता हूं इस कहानी के द्वारा। हमारी पत्नियां हमारे लिए इतना कुछ करती है, हमें उसका अंदाजा नहीं है। वो अगर आपके साथ में कमाई कर रही है, बाहर नौकरी कर रही है तो बात ही छोड़ दो। अगर वो गृहिणी है, घर में ही रहती है, तो भी वो दिन में 10 से 12 घंटा आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके लड़कों बच्चों के लिए मेहनत करती रहती है। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि आप खुश रहो, आप आनंद में रहो। और हम करते क्या है, हम पति देव अपनी पत्नियों को सताने की कोई बात बाकी नहीं रखते। अगर ये जो 5-7 हजार वर्ष की उत्क्रांति हुई है, मनुष्य होने के बाद जो मनुष्य में पुरुषों में जो फर्क पड़ा है, तो वही पड़ा है कि पति देवों ने पत्नियों की गलती निकालने में इतनी माहिरी हासिल कर ली है। इतने माहिर हो गए हम कि हमें सिवा गलती कुछ दिखता नहीं है। वो पूरे दिन हमारे लिए क्या करती है, हमें मायना नहीं रखता। जहां वो गलत हो जाती है, जहां वो कहीं पिछड़ जाती है, जहां कहीं उसकी कोई कमजोरी दिख जाती है, बस हम शेर बन जाते हैं। हम उसे ताने देते हैं, गालियां देते हैं, कभी कभी तो कोई वीर पुरुष उसे हाथ भी उठा देता है। मैं आज उस सारे पतिदेवों को एक कहानी के द्वारा एक संदेश देना चाहता हूं। बड़ी अद्भुत कहानी है, छोटी सी कहानी है। एक राजा था, उनको कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने सुना कि एक जंगल में एक संत रहते हैं, साधु रहते हैं, नंगे पड़े रहते हैं, मगर बड़े इल्मी हैं। वो वहां पहुंच गया, उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं ये नगर का, आपके नगर का, और मुझे संतान नहीं है। वो बाबा ने कुछ इलम दिया और इलम काम कर गया, उनके यहाँ बच्चा हो गया। अब वो राजा बार बार वो साधु बाबा के पास जाके उसकी सेवा करने लगा। थोड़े दिन के बाद राजा ने बाबा से कहा कि बाबा, बार बार इतना बड़ा कारोबार छोड़ के मुझे यहाँ ना बड़ी तकलीफ देता है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप जंगल में रहते, आप मेरे साथ रहिए, महल में रहिए। बाबा ने कहा जैसी तेरी मर्जी। पालखी बुलवाई गई, बाबा को बिठा के महल में ले आए। राजा ने अपने ही महल में बाबा को रखा, बड़े जी जान से उसकी सेवा करते थे। राजा को नहलाने के लिए 10-15-20 नौकर थे, बड़े उपटन लगते थे, बड़ी गुलाब की पत्तियों में पानी बनता था और राजा स्नान करता था। अब ये सब काम राजा ने करना शुरू कर दिया। वो बाबा को राजा खुद अपने हाथों से नहलाता था, खाना बैठता था तो पहले बाबा को खिलाता था, बाबा को ऊंची पाट पे बिठाता था, फिर सामने सोने की थाली में इतनी सारी मिठाइयां, इतने सारे पकवान लगते थे, और राजा अपने हाथ से अपने गुरुदेव को खाना खिलाता था। वो गुरुदेव भी बड़े मजाले लेके बात करते करते हंसते हंसाते खा रहे थे। बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, जंगल में थे, भूखे सोते थे, यहाँ इतनी हाव जलाली थी, इतने बढ़िया कपड़े पहनते थे, वही ढंग से रहते थे, मगर बेफिक्र रहते थे, कोई फर्क नहीं था बाबा के लिए। एक दिन ये राजा ने कहा कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि जंगल में बहुत सारे हिरण हो गए हैं, किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है, मैं थोड़े हिरण मारने जा रहा हूँ, तो आप भी चलिए। बाबा ने कहा चल भाई, तेरी मर्जी है, तो मैं भी दूसरे घोड़े पे सवार हो जाता हूँ। और बाबा भी उनके साथ चल दिया। अब सुबह से निकले हैं जंगल में, जो सिपाही सालार थे वो सब अलग हो गए, ये दोनों ही बच गए। बहुत घूमते रहे जंगल में, ना पानी मिला, ना कहीं खाना मिला, ना कुछ हिरन भी मिले, कुछ नहीं मिला। राजा इतना परेशान था, भागा जा रहा था, भूला पड़ गया था, उन्हें पता नहीं था कि मैं अपने हद में हूं भी या दुश्मन की हद में चला गया हूं। बेबस थे दोनों, कुछ नहीं कर पा रहे थे, घने जंगल में बस मारे मारे जा रहे। शाम ढलने पर आ गई थी, कुछ नहीं खाया था सुबह से, इतने माइलों दूर वो आ गए थे, थके थे, हारे थे। इतने में एक वृक्ष पर
एक फल दिखाई दिया, इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना चमकीला, कभी देखा नहीं था दोनों में से किसी ने। बाबा जंगल में रहते, उन्होंने भी ये फल पहचाना नहीं। राजा अपने घोड़े पे थोड़ा खड़ा हो गया, थोड़ा हाथ ऊपर करके वो फल उन्होंने तोड़ दिया। फिर दोनों घोड़े से उतरे, दोनों बैठे, राजा ने अपने कपड़े से वो फल को साफ किया और तलवार से वो फल के चार टुकड़े किए और बड़े चाव से कहा, गुरुदेव माफ करना बाबा, आज तो आसन नहीं दे पा रहा हूं, जमीन पे आप बैठे हो। कहा, ठहर जाओ, जमीन पे मत बैठना, अपना सोफा साफा निकाल दिया, वो नीचे बिछा दिया। कहा, बाबा आप मेरे साफे पे बैठ जाओ। और बड़े चाव से, जैसे वो मिठाई खिलाता था, रोटियां खिलाता था, ऐसे ही बड़े चाव से उन्होंने एक टुकड़ा जो था, चार टुकड़े किए थे फल के, एक टुकड़ा बाबा को खिलाया। बाबा बड़े चाव से हंस हंस के खा रहे, बोले बेटा क्या मजा, क्या भगवान की मेहरबानी है, देखो शाम तक तो खाने का बंदोबस्त हो ही गया, भले थोड़ा कम हुआ। हंस रहे बाबा। उन्होंने दूसरा टुकड़ा भी खिला दिया, क्योंकि दो थे, चार टुकड़े किए थे, दो दो भाग में आने वाले थे, तो बाबा को दूसरा टुकड़ा भी राजा ने खिला दिया। अब बाबा बोल रहे, हंस के बोल रहे हैं कि बेटा एक आज इच्छा हो गई। बोले बाबा बताइए क्या इच्छा। बोले ये तीसरा टुकड़ा मुझे दे दे, बड़ी भूख लगी है। राजा थोड़ा हिचकिचाया कि दो तो मेरे भाग के हैं, मगर बाबा कह रहे हैं। उन्होंने तीसरा टुकड़ा भी खिला दिया और तीसरा टुकड़ा बाबा चाव से चबा रहे थे और बाबा ने झपट मार ली राजा के हाथ पर और चौथा टुकड़ा उसके हाथ से छीनने लगे। अब राजा भी बुरा फंसा, गुरुजी टुकड़ा छीन रहे, अभी उनको भी इतनी भूख लगी है। उन्होंने जार जोर जबरदस्ती थोड़ी हुई, थोड़ा सा टुकड़ा उसके हाथ में रह गया और बाबा ने तो लेके भी खा गए। अब जो थोड़ा सा बचा था हाथ में रस लगे थे, वो राजा के हाथ पर जो रस लगा था, वो फ्रूट का, फल का, वो राजा ने मुंह में लगा दिया और इसी क्षण राजा की आंखें चकाचौंध हो गई, घबरा गया। इतना कड़वी, इतनी कड़वी बास, इतनी कड़वी फल, उसे लगा कि मैं कोई झेर खा गया हूं। और राजा हक्का बक्का रह गया कि इतना पूरा बड़ा फल गुरुजी इतने चाव से खा गए, मुंह पे एक थोड़ी भी अंदेशा नहीं हुआ मुझे कि ये फल इतना कड़वा हो सकता है, और मैं खिलाता गया, बाबा ने छीन के भी खा लिया मेरे से। उन्होंने कहा, गुरुजी आप क्या किया, हो सकता है ये बड़ा ढेरी फल हो। तो बाबा हंस रहे हैं। उन्होंने कहा, बाबा आप बोलते मुझे कि ये कड़वा है तो मैं आपको नहीं खिलाता। बाबा ने जो बात कही, मैं सब पति देवों को कहना चाहता। बाबा ने कहा कि तूने मुझे पूरे साल 364 दिन अपने हाथ से अच्छी अच्छी मिठाइयां खिलाई, रोटियां खिलाई, चावल खिलाए पूरे साल, और आज एक दिन गलती से, तुझे तो पता नहीं था, मुझे एक कड़वी चीज खिला दी, मैं कैसे मना करता, मैं कैसे आपको दुख पहुंचा सकता था कि आपने मुझे कड़वी सी चीज खिला दी। नहीं, जहर भी होता तो मेरे लिए था, आपने इतने चाव से मुझे दिया राजा कि मुझे खाना ही था, और मैंने तीसरा टुकड़ा जो मांगा वो इसीलिए मांगा कि आपका मुंह कड़वा ना हो जाए, कहीं जहर हो तो आपको ना लग जाए। और बाद में मुझे लगा कि शायद इसमें थोड़ा भी जहर हो और आपको कुछ हो जाएगा, मैंने चौथा टुकड़ा भी आपसे छीनने की कोशिश की, मगर आपने चख लिया और आपको पता चल गया और आप दुखी हो रहे। दुखी मत होइए, मैं बहुत आनंद में हूं, क्योंकि आप जो भी खिलाते हैं वो मेरे लिए तो मिठाई है, आप मिठाई खिलाए हैं मुझे, आज भी आपने मुझे मिठाई ही खिलाई है, सोचो ही मत कि आपने मुझे कोई कड़वा फल खिला दिया। मैं पति देवों से कहना चाहता हूं, 364 दिन उन्होंने न दिन देखा न रात देखी, वो बीमार है वो बोलती नहीं है, पता है कि बच्चों को कल सुबह में स्कूल भेजना है, उन्हें पता है कि अगर आप, वो बताएगी कि वो बीमार है, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे, आप कहेंगे चल डॉक्टर के घर, घर का काम बिगड़ जाएगा। आप बाहर जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, सब
और घर में कुछ बिगड़ जाए, ऐसा हो, कोई अड़ोस पड़ोस में कोई प्रसंग है, वो नहीं आती। अपना पड़ोस में भी बुरा नहीं दिखना चाहिए। चाहे आप पिकनिक पे चले जाओ, मैं पड़ोसी के घर जाऊंगी। तो जो औरत आपको 364 दिन अच्छा अच्छा खाना बना के खिला रही है, आपकी परवरिश कर रही है, और एक दिन दाल में या सब्जी में नमक नहीं पड़ा, आप जो दाल लेके बैठे हो उसमें 3.5 ग्राम नमक चाहिए था, वो 3.5 ग्राम नमक नहीं लिया है, और आपने पूरी थाली फेंक दी, आपने बर्तन पछाड़े, आपने इतनी जोर से गालियां दी, पूरे मोहल्ले में पता चला कि आज शेखर बाबू के यहां दंगल हो गई, आज वर्षा भाभी को उसके हस्बैंड ने इतना डांटा, सारे मोहल्ले को खबर कर दिया आपने कि उन्होंने नमक नहीं डाला था। 364 दिन तो आपने किसी को बताया नहीं कि उन्होंने कितनी अच्छी मिठाई खिलाई, कितने अच्छे पकवान खिलाए, कितने अच्छे व्यंजन खिलाए आपको। वो देखती रहती है दोपहर को टीवी पे कि आज मैं क्या बनाऊं ताकि आप खुश हो जाए, और एक दिन के लिए आपने उसे गालियां दे दी, चाटा मार दिया, उसके ऊपर थाली फेंक दी। आप क्या है? आप इंसान है? जब अच्छी मिठाई खिलाई, अच्छी कोई व्यंजन खिलाया, आपने उठ के उसके हाथ तो नहीं छूमे, कभी बोले नहीं आपके आज मजा आ गया, आज तूने बहुत बढ़िया रसोई बनाई, और जरा सी गलती हो गई, जरा मिर्ची ज्यादा लग गई, हींग ज्यादा लग गई, थोड़ी रसोई में भूलचूक हो गई, और आप पूरे मोहल्ले को बता रहे हो, जलील कर रहे हो अपनी पत्नी को। जब हर रोज आप ऑफिस जाते हो, सब कुछ वहां मिल जाता है जहां चाहिए, 364 दिन तो आपने उनको जाते वक्त अच्छा है, अंग्रेजों में अच्छा एक रिवाज है गुड बाय किस का, हम जय श्री कृष्ण करते हैं, ठीक है, हमारा माहौल जय श्री कृष्ण का है, हमने कभी जाते समय उसके सामने हंस के नहीं देखा कि आज सब कुछ बराबर था और मैं समय से जा रहा हूं। एक दिन 5 मिनट लेट हो गई, एक दिन आपकी घड़ी नहीं मिल रही है, आपके चश्मे कहीं आपने रख दिए और नहीं मिल रहे, और आप गालियां निकाल रहे हो, आप चिल्ला रहे हो। मैं पूछता हूं पतिदेवों को कि आपकी पत्नी की आंख की का जो रंग है नीला था, पागल थे उसके पीछे, वो नीले आंख वाली लड़की के पीछे बेताब थे आप शादी के लिए। अब बताओ मुझे कि कितने साल हुए आपने वो नीली आंख वाली अपनी पत्नी को देखे, उनकी नीली आंख देखे, कब हुआ ऐसा कि आपने बिना वजह उसके बालों में कंघी कर दी या उसके बालों में हाथ फिराया, कब हुआ कि आप बिना वजह उसके लिए 4 फूल ले गए, कोई गजरा ले गए, कोई अत्तर ले गए, सेंट ले गए। तो मेरा एक ही कहना है कि बड़ी नायाब चीज ईश्वर ने आपको दी है आपकी पत्नी, कितनी खूबसूरत है पता नहीं, मगर वो आपके लिए जी रही है और आपके पीछे मर रही है, बस इतना ख्याल रखे, उसे जलील न करे, हाथ न उठाए उस पर, कोई छोटी सी बात पर उसे आने न दे। बहुत प्यारी चीज भगवान ने आपको दी है, उसे संभाले, उसे संवारे। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।